तो जो सवाल है कपल्स, तो हमारे यहाँ जो है ना वो एक चीज समझने की है कि हम ये कैसे हैं। अभी कुछ अर्सा पहले एक रिसर्च के ऊपर मेरी स्टूडेंट ने कहा, उसने कहा मैडम ये क्यों होता है कि हर चीज की जिम्मेदारी माँ को दे दी जाती है, बाप की जिम्मेदारी भी तो होती है बहुत सारी चीजों में। तो एक्चुअली ये क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रॉपरली हम नहीं डिसेमिनेट कर रहे एक दूसरे को। हम क्या कर रहे हैं कि हम बेसिकली ये अंडरस्टैंड करें कि वी आर वन, कपल मीन्स टुगेदर। ठीक है, जब कहा गया इस्लाम में कि औरत को मर्द की पसली से पैदा किया गया है, इट्स ऑलरेडी डिसाइडेड दैट दे हैव टू वर्क टुगेदर, दे आर अ टीम, दे हैव टू बी वर्किंग इन अ फॉर्म ऑफ यूनिटी। लेकिन जब शादी होती है तो उसके बाद एक्सपेक्टेशंस दोनों की साइड से शुरू हो जाते, हस्बैंड को लगता है कि मैं जो सोच रहा था ये वैसी नहीं है, और वाइफ ये सोच रही होती है जैसा कि मैं इनको सोच रही थी ऐसे नहीं, क्योंकि वो गुजार चुके होते हैं हनीमून पीरियड इन एंगेजमेंट टाइम। हनीमून पीरियड में मैं अक्सर लोगों को कहती हूँ कि यार अगर कोई शख्स तुमसे एक घंटा मिलता है 24 घंटे में, वो तुम्हारा लुक आफ्टर कर लेगा, तुम्हें घर भी ला देगा, एक जबरदस्त जगह पे डाइन आउट करा देगा, लेकिन जब वो 24 घंटे रखेगा सारा वक्त रखेगा तो ही कांट बी दैट गुड। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर बेसिकली हमें एज अ कपल ये समझना है कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसको क्या करना है। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रोल आता है एम्पथी का, टू अंडरस्टैंडिंग समवन फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव। तो कई दफ़ा ये होता है कि हम किसी का नज़रिया समझ नहीं रहे, तो प्रॉब्लम हो रही है तो हम समझ नहीं रहे वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं। हर चीज़ का कोई ना कोई रीज़न होता है, सो वी हैव टू बी अ लिटिल अंडरस्टैंडिंग। अभी डॉक्टर अजमल ने भी कहा जैसे कम्यूनिटी जो है उसका हम एक बहुत बड़ा हिस्सा है, हमारे घर में जितने भी लोग हैं हमारे झगड़ों से या हमारी शख्सियत से मुतासर होते हैं, खासतौर से बच्चे। बच्चे आर जस्ट लाइक स्पंज, मैं हमेशा कहती हूँ स्पंज की तरह है, स्पंज को आप जिस चीज़ पे रखेंगे वो चीज़ एब्जॉर्ब कर लेगी। उसके बाद जो क्लिनिक्स में आते हैं वो बच्चों को लेकर आते हैं कि बच्चा बदतमीजी कर रहा है, बच्चा ये कर रहा है, बच्चा वो कर रहा है, एक्चुअली वो अपने पेरेंट्स को ऑब्जर्व कर रहा होता है, उनके झगड़ों से मुतासर होकर उसको ज़हनी तनाव फील होता है, टेंशन होती है, स्ट्रेस होता है, और वो स्ट्रेस पर बदतमीजी मैन अडेप्टिव बिहेवियर के तौर पर वो शो कर रहा होता है, स्कूल से कंप्लेंट्स आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन इस दौरान में कहीं हम ये फोकस नहीं कर रहे कि हम कहाँ क्या गलत कर रहे हैं। हम दो तीन चीज़ें नहीं करते अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में, एक दूसरे को अप्रिशिएट नहीं करते, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर दो लव्स अच्छे एक दूसरे से बोल दें, अगर हस्बैंड अर्न कर रहा है, अगर आप कहते हैं बहुत शुक्रिया पूरे दिन के बाद आया, आप थक गए होंगे, दो लफ्ज़ तो कहने हैं, और अगर वो कहते हैं यार बेगम तुमने बड़ा अच्छा खाना बनाया, थैंक यू वेरी मच, यू आर लुकिंग आफ्टर माय फैमिली, एंड सिर्फ दो लफ्ज़ कहने। एप्रिसिएशन हमारी मेरे ख्याल से शायद नेशन से ही चली गई है। हम किसी की चीज़ को तारीफ करने को हम समझते हैं बहुत एक बड़ा चैलेंज है, हम क्यों तारीफ करें। तो एप्रिसिएशन वुड ब्रिंग द कपल्स टुगेदर। फिर कम्युनिकेशन, ये एक बहुत फुकदान है, कम्युनिकेशन नहीं होती। आप ये देखें, नोटिस करें, मेरे पास तो लोग आते समझ जाना चाहिए, अरे भाई कुछ जादू थोड़ी है उसके पास, कैसे समझ जाएगा या समझ जाएगी। हस्बैंड समझता है कि इफ़ आई एम इन अ बैड मूड, मेरी वाइफ को पता होना चाहिए क्यों बैड मूड, और अगर दूसरा केस है तो उसको पता होना चाहिए क्यों ऐसा है। बट फेस रीडिंग इज नॉट द एक्चुअल थिंग, इट्स कम्युनिकेशन। बात करें तो उसका इजहार करें। काउंसलिंग तो बाद में आएगी, पहले तो हम, मैं एग्जाम्पल दूंगी कि ह्यूमंस आर लाइक प्रेशर कुकर्स। प्रेशर कुकर होता है ना, आप देखा होगा, सबने देखा होगा, घर में सबके होता है। प्रेशर कुकर एक बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है किचन में, और बड़ा फायदेमंद है, कारामद है, चलता रहे थे सीटी बजे तो धुआं निकलता रहे, ठीक है, तो वो कारामद रहेगा, लेकिन कभी उसका एक सुराख बंद करके देखिए, उसके बाद आपकी छत और आपकी दीवारें और कुछ भी नहीं बचेगा किचन का। तो ह्यूमंस आर लाइक दैट, आपने जहां उसका एक्सप्रेशन बंद किया, जहां उसका आउटलेट बंद किया, वहां पर एक तूफान खड़ा हो जाता है, और फिर वो आउटबर्स की सूरत में शुरू हो जाता है। मैं यहाँ पे बड़े अफसोस के साथ कह रही हूँ, क्योंकि अभी दो दिन पहले मेरी एक प्रेजेंटेशन थी ऑन डोमेस्टिक वायलेंस, पाकिस्तान इज नंबर 4, पाकिस्तान इज नंबर 4 अ डेंजर जोन फॉर वुमेन, और 90% एक रिसर्च ने कहा है, ये बुलेटिन जो है उसका WHO का,
उसने बताया कि 90% औरतें किसी न किसी सूरत में तशद्दुद का शिकार हुई है 2022 का ये। सो जस्ट इमेजिन इफ वी आर नंबर 4, सो वेयर आर थिंग्स गोइंग रॉन्ग? क्योंकि हम कम्युनिकेट नहीं करते, हम बात नहीं करते, हम इजहार नहीं करते, हम एक्सप्रेस नहीं करते, वी डोंट टॉक टू ईच अदर एंड वी एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम एक्सपेक्टेशन की यार्डस्टिक हमारी यहाँ है, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मीन्स कम है, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है, तो घर में फाइनेंशियल बर्डन्स भी आ जाते हैं, तो उसकी वजह से भी तनाव बहुत हो रहा होता है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड ईच अदर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर सपोर्टिव होके चलेंगे, क्योंकि अभी कोविड आया, कोविड के अंदर एक बहुत ही बड़ा मसला आया था कि कपल्स को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम शुरू हो गई थी, क्योंकि आदत नहीं थी आदमी के घर पे होने की। तो ये तो हालात हो गए, जस्ट इमेजिन कि देयर वर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स बिकॉज़ द हस्बैंड वाज एट होम और उनका इधर अल्लाह कोविड खुल जाए, ये नहीं था कि कोविड इज गोइंग टू किल मी, इट वाज लाइक माय हस्बैंड विल गो अवे, आई विल हैव अ टाइम पीरियड व्हेन आई विल हैव अ टाइम टू माय सेल्फ। सो इफ वी हैव दिस माइंडसेट, How can we have a healthy relationship? ना तो हम communicate करते हैं, ना हम express करते हैं, ना हम appreciate करते हैं, and we are going into high levels of psychopathological trends. जितनी भी अमराज हैं वो relationships की खराबी की वजह से हो रहे हैं। मेरे पास, मुझे 26 साल हो गए therapy करते हुए, कोई भी ऐसा मरीज नहीं जो ये कहे कि जी मेरे relationship सही है। सपोर्ट सिस्टम जहाँ ब्रेक हुआ वहाँ पर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम एक स्पाउस के लिए उसका स्पाउस होता है, वो सबसे बड़ी सपोर्ट होती है दुनिया की हर चीज एक तरफ। अगर शौहर या बीवी के साथ है तो ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होती है, जैसे गाड़ी के दो पहिये। एग्जैक्टली, गाड़ी के दो पहियों की तरह, बिल्कुल। तो वो जो चीज है ना, ये सारी चीजें हमें नजर आ रही है, हमें समझ भी आ रही है, बट वी आर नॉट रेडी टू वर्क ऑन इट। हमें लगता है कि अच्छा एक ये भी हो गया है कि आर्ग्यूमेंटेशन इज दैट यू आर रॉन्ग, कन्विंस हो जाओ तुम गलत हो, मान लो, माफी मांग लो, फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो ये अगर चीज रहेगी, फॉरगिविंग नहीं है, हम किसी को माफ करने वाले नहीं रहे, ये अनफॉर्चुनेटली हम सब ऐसे हो गए। तो मेरे ख्याल से, सॉरी मैं आपकी बात कर रही हूँ, सब हस्बैंड वाइफ में तो याना होनी ही नहीं चाहिए, बोल लिया, सुना दिया, सब कुछ कर लिया, उसके बाद कहा मेरा सबर है, वरना अल्लाह ताला क्यों कहता मैं साफ कर रहा हूं, मैंने सबर कर लिया, सारा बस आगे जो कर सकती थी कर लिया, मेरा सबर है। तो ये सबर नहीं होता, पेशेंस एंड टॉलरेंस इज समथिंग विच इज रिक्वायर्ड बाय आर, लेकिन टॉलरेंस का वर्ड बड़ा एक हैवी वर्ड है, तो मैं ये यूज नहीं करूँगी। मैं कहूँगी कि आप अंडरस्टैंड करें, आप एडजस्ट करें, अकोमोडेट करने की कोशिश करें चीज़ों को। चीज़ें इतनी बुरी नहीं है अगर जितनी, क्योंकि यहाँ पर जो प्रॉब्लम आ रही है ना, जैसे थोड़ी देर पहले भी डॉक्टर अजमल ने भी कहा कि हमारा न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम हो गया है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दो तीन लोगों पर आ गए, अब दो लोगों के कंधों पे जो कि कपल है उनके ऊपर सारी जिम्मेदारी, आने वाली नस्लों की भी जिम्मेदारी उन पर है, और वो अगर अपना काम सही ना निभाए और आपस में लड़ते रहेंगे तो जस्ट इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ अ जनरेशन आर वी प्रोड्यूसिंग, या आगे क्या हो रहा है। मेरे पास अब काउंसलिंग में बड़े नहीं आते, बुजुर्ग नहीं आते, मेरे पास टीनेजर आ रहे हैं, और टीनेजर आके ये नहीं कह रहा कि उसको मसला है, वो कह रहे हैं कि मैं क्या करूँ, मेरी माँ मुझे नहीं समझती है, मेरे बाप के अपने मसले हैं। और कई लोगों ने तो मुझे ये सुनाया कि इट वॉज सो पेनफुल टू हेयर दैट कि मेरी अम्मी सारा गुस्सा अब्बा का अपनी हील की सूरत में मुझ पर निकालती है, एंड शी हैज अ कबर्ड ऑफ हील्स, एक पूरा अलमारा है, वॉक इन उनका एक है, क्लोजेट है जिसके अंदर हील्स है, और वो कहती है जितना गुस्सा अब्बा पे होता है ना उस तरह की हील निकालती है, और उस हील से मेरी पिटाई करती है, और तब तक पीटती है जब तक वो थक नहीं जाती, और जब वो दरवाजा खोलती है तो मैं निकल के सिर्फ अल्लाह से पूछती हूँ कि तू किधर है। दिस इज सच अ पेनफुल थिंग दैट इज गोइंग ऑन, सो व्हाई नॉट टू टॉक टू ईच अदर। वो हस्बैंड वाइफ आपस में क्यों नहीं बात करें? आउटलेट, इजी एस्केप बोर्ड जो होते हैं बच्चे होते हैं, सो बेहतर है कि हम अपने रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करें, खुद कम्युनिकेट करें, खुद बात करें, एक दूसरे पर ट्रस्ट की बहुत जरूरत है, कि आप जब ट्रस्ट और ऑनेस्ट रहेंगे अपने रिलेशनशिप में, दैट इज अ टाइम व्हेन यू विल सी दैट आप खुद पीस में है, आपकी ज़हनी सेहत बेहतर होगी, आपकी जिस्मानी सेहत बेहतर होगी, आपकी उम्र जो है दराज होगी, आप एक स्ट्रेस से रिलीव है, आपके पास एक ऐसी सपोर्ट मौजूद है
विच इज गोइंग टू कॉज अ लॉट ऑफ यू नो इट्स गोइंग टू बी अ बफर अगेंस्ट द स्ट्रेसेस. तो आपके पास हमारे पास अब जो रह गई है ना सपोर्ट वो है स्ट्रक्चरल सपोर्ट. हाँ है बच्चे हैं मियाँ हैं सब लोग हैं माँ बाप हैं बट आर वी कनेक्टेड विद ईच अदर. एक जगह बैठे भी होंगे तो सब अपने मोबाइल में लगे होंगे. इवन और डिनर्स पे भी चले जाएं आजकल आप देखें हर दूसरी टेबल पे नोबडी बॉदर्स. खाना आता है तो वो अपने हिस्से का खाना खा लेते रख के उसके बाद जैसे खाना का अगेन या पिक्चर्स सोशलाइजिंग द वर्ल्ड हैज श्रंक इनटू द मोबाइल. इट्स द कम्युनिकेशन वर्चुअल पार्ट हैज टेकन अवे आवर रियलिटी. यस ठीक है. तो वो रियलिटी जब चली गई है हालांकि कोविड ने बहुत बड़ा सबक दिया है कि दिस इज ऑल द एंड यू जस्ट कम ऑन तुम सब एक. लेकिन फिर भी हमने थोड़ा सा ये सीखा हमें अपने घर वाले अच्छे लगे उसके बाद फिर जब हम निकले फिर हमने कहा यार यही बेहतर है कि आप दूर हम दूर अपनी अपनी स्पेस पर्सनल स्पेस का कॉन्सेप्ट. सबने अपनी अपनी दुनिया जो है अपनी पर्सनल स्पेस का कॉन्सेप्ट आई डू बिलीव एवरीबॉडी शुड हैव. इवन अ टॉडलर ही नोस हाउ टू यू नो आजकल की माओ के पास कोई टॉलरेशन नहीं है वो जरा सा कोई हाउस होल्ड काम कर रही है तो फौरन खाना देना शर्त लगा दिया बच्चों को यूट्यूब के ऊपर खाना डाल दिया. तो आ गई ना यहाँ पे माँ बाप जब लड़ने में लगे होंगे तो तरबियत क्या करेंगे. लेकिन आजकल के माशरे में वो जो चीजें थी पहले वो अब नहीं है ना. आजकल आप देखे ना फाइनेंस या जो हालात है दुनिया के वो कितने चेंज हो चुके हैं. हम वो पुरानी चीज़ों को इस ज़माने में नहीं कर सकते कि हमें वो उसी के हिसाब से चलना है. नहीं अब दुनिया बहुत चेंज हो गई. आजकल का बच्चा भी वो टॉय रख दोगे उसको लात मार के फेंक देगा. ही वॉन्ट्स हिज मदर और फादर्स मोबाइल और अ टैब और व्हाटएवर अ चाइल्ड अ स्मॉल चाइल्ड. बट अगेन अगर आपने शुरू दिन से बच्चे के साथ एक कनेक्शन रखा है अगर दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. एक वो आई थी एक फॉरनर आई थी उन्होंने एक लेक्चर दिया. उन्होंने कहा कि जी बच्चे की डेवलपमेंट होती है ना पैदाइश के साथ शुरू हो जाती है उसकी मूवमेंट नोट करती है माँ और बाप जो है कनेक्ट होता है. तो मैंने उसको मुस्कुरा के देखा मैंने कहा डॉक्टर साहब वी डोंट हैव दिस काइंड ऑफ फैसिलिटी. द मोमेंट माय चाइल्ड स्लीप्स आई रन टू डू द चोर्स ऑफ द हाउस क्योंकि मेरा काम ही होना है जल्दी से सो जाए बच्चा उसकी मूवमेंट क्या चेक करनी है मुझे अपनी मूवमेंट की फिक्र होती है कि ये सारे काम मुझे करने हैं. एंड देन सो वो कह रहे हैं कि डेवलपमेंट में ऑटिज्म तो इतना राइज पर है. So they are saying that this is related to the bonding part. उसके development का हिस्सा है. तो आप देखें ना autism का कितना जो है increase हो गया है. उसके पीछे background and nature है. We don't understand that. Parenting has become a kind of a neglected part. 90% of the parents come to the teachers and say कि तुम लोग काम करो तरबियत करो. मेरे पास counseling में एक अजीब सी बात है. मेरे पास counseling में आके parents मुझे कह रहे थे आप इसको ये कहिए. आपकी सुनती है. वो मेरी इसलिए सुनती है because I understand her. You understand. If you would do that same thing, she would listen to you as well. डॉक्टर साहब आपकी बात बुरा नहीं मानती आप जो कहती है ना वैसा करती है. आप इसको ये कहते हैं अरे मैं वो क्यों कहूँ. You know, like they're using the counseling sessions as a mean to communicate with their child. And I tell them, खुद करो. It's a lack of time, I guess. It's a busy. I don't agree with that. It's a lack of responsibility. I don't agree. You want to have time, you can take out time. I was a working mother. Priorities change. So priorities change. I agree with that. We have changed. Time is still there. If I want to give my child time, I would do that. आज भी चाहे मैं working हूँ चाहे कुछ भी है, it's a practice in my house that we will have dinner together. ज़ाहिर है सुबह में हम साथ नहीं है लेकिन डिनर पे मेरा हस्बैंड विल वेट फॉर मी एंड आई विल वेट फॉर माय हस्बैंड. दिस इज डन फ्रॉम डे वन तो और यही होता है बच्चों ने भी फॉलो किया कि डाइनिंग टेबल पर सब बैठे होते हैं एंड वी आर ऑल फैमिली टुगेदर. सो दिस इज समथिंग विच वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम डे वन. हम क्या करते हैं जब चीज़ें बिगड़ जाती है ना उनको फिर ऑल्टर करते हैं. दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू डू. यू कांट एक्चुअली ऑल्टर एट दैट टाइम. Undo when the damage is already done. When the damage is already done. Wo kehte hain do as I say, don't do as I do. We always tell them to do this and we do something else. So why would they follow? To ye choti choti cheeze hain. I think communication ka channel khole, ek dusre se baat kare, empathy kare, respect bada important hai. We need to respect each other. The spouse, agar koi galti bhi hoti hai, to usko sareaam na wo kare. Sareaam, meri biwi ki jo kehte hain na,
अपने रूम तक महदूद बाहर नहीं निकलनी चाहिए. Exactly. ना औरत मैके में जाके डिस्कस करे शोहर के बारे में, और ना शोहर को डिस्कस करना चाहिए अपनी बीवी के, क्योंकि दोनों एक दूसरे का लिबास है और दोनों एक दूसरे की इज्जत है. जब तीसरे तक ये बात पहुंचती है मैनिपुलेशन वहां से शुरू हो जाती है. Am I right? You are absolutely right. And I would say कि यहां पर जितने भी लोग अगर एक मैसेज स्प्रेड अराउंड कर दे कि यार एक दूसरे से बात करना शुरू कर दो, एक दूसरे से तो बात करो, किस बात पे नाराजगी है, किस बात पे प्रॉब्लम है. काउंसलिंग भी इज व्हाट व्हाट डू वी डू इन काउंसलिंग. वी आस्क पीपल वेयर आर देयर प्रॉब्लम, व्हाट आर देयर ग्रीवेंसेस. वी लिसन. लिसनिंग इज डिफरेंट. हैव एन एक्टिव लिसनिंग पार्ट. एक्टिव लिसनिंग इज दैट यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट द पर्सन इज सेइंग, नॉट जस्ट सेइंग. जस्ट सुनना तो सभी करते हैं. Understand. Exactly. You have to be an active listener towards towards each other, respectful and forgiving, and always try to be honest and trust your partner. Love, again, respect, love, and respect, trust. These are very very important cores. Trust के बगैर कोई रिश्ता नहीं चल सकता. Trust के बगैर तो बिल्कुल ही, और honesty के बगैर बिल्कुल नहीं. And if you can be affectionate on top of it, that will be the, you know, the ice on the cake. कि आप अगर affectionate भी हैं and truly you're honest with, अगर मेरे नज़दीक वो family ज़्यादा बेहतर decision करती है जो लड़ने की वजह छोड़ देती है, नहीं रह सकते साथ में. आप अजियत खुद भी ले रहे हैं और दूसरे को भी दे रहे हैं कंटिन्यूअसली. और एक टॉक्सिक रिलेशनशिप, टॉक्सिक रिलेशनशिप आपकी जनरेशन भी मेक अ टॉक्सिक फैमिली. एंड इस्लाम में मच बेटर. दूसरे मजाक में तलाक या खुला नहीं है. इस्लाम में क्यों है? अल्लाह ताला ने वरना ये रखी ही नहीं होती. अगर ये आपकी मजबूरी नहीं, ये इसलिए खवातीन को हक दिया गया कि वो खुला कर दे. खवातीन को हो रहा है अगर, और आप में भी पॉइजन है. तो कहते ना, एक सॉरी मैं आपकी बात कर, रसूल पाक के पास एक औरत आई और उसने बोला कि मुझे अपने मियाँ से अलग होना है. रसूल पाक ने पूछा आपको क्या प्रॉब्लम है उससे, आपको पसंद नहीं? कहती नहीं, कोई मसला नहीं, ना वो ये कि बस मुझे नहीं रहना. मींस ये दिलों के सौदे होते. उन्होंने कहा आप जाओ फिर सोचो. इसी तरह 13 दफा वो आई और जब उसने कहा नहीं रहना, मींस जब दिल से वो एक्सेप्ट नहीं कर रही है. ये दिल से शायद मर्द एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो वो तो मुनाफिकत का रिश्ता हो गया. ये जरूरी, मैं ये नहीं कहूँगी हर कोई बंदा सबसे पहले ये काम करे कि जी तलाक ले ले, खुला ले ले. नो, ये बात नहीं. अंडरस्टैंड करे. ये तो कहते हैं वर्ड्स कम. लेकिन हमारे मुआशरे में अब ये है ना कि लोग क्या कहें, लोग क्या कहें. सबसे पहले ये सोचे कि अल्लाह क्या, अल्लाह क्या कहेंगे, बेटी बगैर दुबला चली जाए, मर्द हजरात भी है. एक्सक्यूज मी, मैंने कहा हमारे यहाँ सब मर्द हजरात भी बैठे हुए. अमूमन औरतें रोती हैं अपना गम, ऐसे मर्द भी डॉक्टर साहिबा मौजूद हैं जो तो रो भी नहीं सकते, वो अपने गम भी नहीं दिखा सकते किसी को, क्योंकि हमारे माशरे में इसीलिए हार्ट अटैक ज्यादातर आप देखें मर्दों को. बिल्कुल. डायबिटीज ज्यादातर मर्दों को होती है. सॉरी टू से, मैं भी एक औरत हूँ, मगर जो हकीकत है ना उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए. बिल्कुल. ये अलग बात है कि अब सेडिस्ट होना चाहिए वो मर्द हो या औरत, अजियत पसंद होना It's not acceptable. नहीं, abuse भी जो है, abuse में भी है. Abuse भी नहीं. My article in 2000 was about this, that men are also being abused, but they don't talk about it because social taboo है. I mean, they can't say I'm being beaten up by my wife. मर्द होके रो रहा है. What do you mean? He is after all a human being. और बचपन से तरबियत भी तो है ना, मर्द बन मर्द मर्द. तो बचपन से कहा जाता है, सासे भी सॉरी टू से कहेंगी मर्द नहीं बने, नंदे कहेंगी मर्द नहीं बने. मतलब मर्द का मतलब है बीवी को पेटे लगा, ये थोड़ी मर्द बनना हुआ. जन मरीद है, बीवी की सुनता है, बीवी की सुनता है, जन मरीद है. आप भी बीवी हो किसी की, एक दूसरे के ही सुनेंगे. और ने बच्चों को भी मारा दिलों को. और हाँ, ये जो अभी रिसेंट अभी एक्सीडेंट हुआ है, सच है, पढ़ा लिखा एक शख्स, वो मतलब साइकोपैथिक ट्रेंड. It was, dekhe, it was all planned. No, he couldn't take the pressure of which he had taken the load. You see, there's a big argument behind this. Because you see, if you were like in desperation and you killed your family, where did you get that weapon? To bring that weapon, dekhe, aam ghar ke churiyon se log is tarah. No, he slaughtered them with the household knife. No, it wasn't that. It was. Not me. The way they were cut. Because I spoke to someone in the media, उनकी पिक्चर जो है ना, they were cut in a way कि उनकी जो स्कल थी
और उनका जो स्पाइन था वो डिस्कनेक्ट कर दिया था। आप सोचे कितना शार्प, ये छुरी से नहीं हो सकता, ये वो छुरी से ये नहीं हो सकता। और ये एक बच्चे की बात नहीं, इट वाज अ साइकोपैथिक ट्रेंड। एंड वही वाली बात है ना कि बात नहीं करते, कम्युनिकेट नहीं करते, तो अगर कुछ चल भी रहा था तो इट वाज अ यू नो डिफरेंट पिक्चर शोन आउटसाइड इश्यूज थे। सो द गाय वाज सफरिंग बट व्हाट वाज गोइंग इनसाइड द हाउस वी डोंट नो। फाइनेंसिस पे कभी आप अपने आप को मार सकते हैं, व्हाई द फैमिली एंड द स्मॉल गर्ल्स। सो देयर मस्ट हैव बीन अ बिग स्टोरी बिहाइंड इट, मगर जो जितनी भी चीजें हैं दे वर ऑल साइकोपैथिक ट्रेंड्स। इफ यू वुड सी दैट, अगर आप उसको फोरेंसिक पॉइंट ऑफ व्यू से एनालिसिस करें, इट वाज ऑल पैथोलॉजी। और वो पता नहीं बचपन से चल रही है पैथोलॉजी, बाद में चल रही है, कब से चल रही है, व्हाट वाज द बैकग्राउंड, बट एंड दिस वाज द अल्टीमेट सुसाइड इन द एंड। उसने अपने आप को भी बड़ा डैमेज किया। हां, लेकिन उस वेपन से वो मरा नहीं ना, बट ही इज इन क्रिटिकल कंडीशन। लेकिन इट वाज ऑल डन एंड ही वाज ही हैड सेंट द मैसेजेस। लेकिन ये केस बिल्कुल एक अलग है। लेकिन बात यह है कि इस नहज तक ये बात इसलिए आई कि कम्युनिकेशन नहीं हुई है, ना औरत ने कम्युनिकेट किया उससे, ना कोई बात हुई, नीचे सास रहती है, अगर आपको पता हो, नीचे सास रहती है, चार मर्डर ऊपर हो रहे हैं, नीचे सास को नहीं पता, ये नहीं हो सकता, बेटा मार रहा है, तो बिल्कुल ठीक ठाक तो उनके फाइनेंशियल हालात। तो इट्स नॉट एनीबॉडी वाज सेडेटेड और समथिंग लाइक दैट। सो देयर हैज टू बी अ लेवल ऑफ कम्युनिकेशन दैट हैज टू गो ऑन, ताकि इतना ज्यादा इमोशनल टर्मोइल ना आए कि ये लेवल आ जाए कि एक दूसरे को मारना और किसी तरह से तशद्दुद करने का ये आए। तो आई थिंक दिस इज समथिंग विच वी नीड टू कम्युनिकेट ऑन दिस प्लेटफॉर्म, कि बात करें और लोगों की परवाह नहीं करें। इफ यू हैव डिसाइडेड समथिंग एंड यू फील यू कैन नॉट सर्वाइव इन दिस, सो यू हैव एवरी राइट। आपके ह्यूमन राइट्स भी हैं, आपके इस्लामिक राइट्स भी हैं, आपके हर किस्म के राइट्स आपके पास मौजूद हैं, एंड देन यू शुड एक्सर्ट दोज राइट्स। बट एकोमोडेशन, फैसिलिटेशन, अंडरस्टैंडिंग, एक्सेप्टेंस करने के बाद अगर आपको लगता है चीज़ें नहीं हो रही हैं और आपने अपनी अटमोस्ट एफर्ट डाल दी है, फिर उसके बाद फिर देन यू शुड डिसाइड व्हाट इज बेटर फॉर योर फैमिली एंड फॉर योर सेल्फ। क्योंकि इस किस्म के प्रोग्राम अरेंज करवाने के लिए अगर किसी को सपोर्ट देता है तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और मैं मिस्टर फारूक से प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ इधर आए और डॉक्टर कुत्सिया की एक मोमेंटो एंड गिफ्ट। अच्छा, ये भी गिफ्ट क्यों छोटा सा गिफ्ट है ये छोटा वाला, ये एक्चुअली गेट फार्मा और हेल्दी लाइफस्टाइल बाय फरजान इरफान की दोनों की तरफ से ही गिफ्ट है। आपकी और नजर है कि आप खा नहीं सकेंगे, कि आपको पहले से तकलीफ है या आपके यहाँ।